मॉर्निंग गाइस, हम लोगों का आज का चेकआउट है और हम लोगों का लास्ट आज यात्रा कंप्लीट। हमारी तीन डेस्टिनेशन थी जो कंप्लीट हो चुकी। रात को हम लोग आए थे पार्टी करके, तो अभी सो के उठे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लास्ट पुलगा गांव, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कसौल। कसौल के बाद सब लोगों को बस मिलेगी, फिर निकलते हैं। तब तक देखिए खुला मौसम है। तो गाइस कर रहे हैं हम लोग चेकआउट। देखो लगा कैसे गले मिल के जा रहे हैं लड़कियों से। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे पुलगा में, जो हमारा एक दिन का स्टे था और हम लोगों ने दो दिन का भी किया अंकिता जी को देख के, क्योंकि इतनी अच्छी इतनी हम्बल है, पता ही नहीं लगता कि ओनर है, होस्ट है या फिर और भी जो भी चीज है। पर यहाँ रह के स्टे करके बहुत अच्छा लगा अंकिता जी का। ये जो मड हाउस सीक्रेट ऑफ पार्वती, जो भी आइएगा वो यहीं आएगा। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा अंकिता जी का। Thank you so much. Guys, finally check out. चलो के बाय बाय। Bye. Hey guys, you have my number. Yes. Yes. मुझे कॉल करना, ठीक है? Okay. सचिन कैब वाला नहीं आ रहा ना, तो please give me a bus. I will arrange different cab. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. तो गाइज ये देख रहे हैं पुलगा का। हम लोगों ने ट्रिप की थी बाइक से, तो हम लोग यहाँ पे वो पल यार मज़ा आ गया। आज ग्रीन है, पहले वाइट चादर ये देख रहा भाई। तो गाइज हमारी जर्नी हो चुकी है पूरी खत्म। खत्म होने वाली। वैसे भी जा रहे कसौल, कसौल के बाद जाएंगे मजनू का टीला। वहां हमको बस उतारो। कसौल पहुंच गए हैं और अभी हम लोगों थोड़ा सामान यहाँ रखा है, तब तक हम लोग पूरा कसौल पूरा एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं कहाँ कोई जगह मिलती है कोई सी, तो वहाँ जाएंगे आराम से। बड़ा हम लोगों ने अभी यहाँ पे अपना लगेज रख दिया है, तब तो उठाते हैं शाम में की शाम में हमारी बस से। तो गाइस निकल चुके हैं अभी हम लोग खाने की ओर, और अभी हम लोगों ने सामान जो है वहाँ रख दिया लगेज, और सीधे भी लोग निकल रहे हैं। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बस है वो 8:30 बजे की है शायद। तो ये भी हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये रेस्ट करने के लिए देखने के लिए गया है जगह है या नहीं। बाकी ये तो प्लेस ठीक है यार, वो जगह देखने के लिए। तो गाइस बस यही थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कसौल। ये है कसौल और मुझे भी कुछ ज़्यादा खास नॉलेज भी नहीं है यहाँ की। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये ऑरेंज का पेड़ है। वाह सही है यार, पास में होता तो मैं एक तोड़ता भी कुछ। और गाइस देखो यहाँ पे आलू बखारा भी लगा हुआ है यार, पास में नहीं है कोई भी, ठीक है? पास वाले जितने पेड़ थे तोड़ रखे हैं, अब सब दूर वाले बचे हुए हैं। सही है यार भाई, ये तो ट्रिप आलू की वजह से हो गई है भाई।
तो गाइस एक्चुअली क्या खाना खा के हम लोग सो गए थे, सो के उठा हूँ अब तो सीधा बस की तैयारी कर रहा हूँ जाके। एक कैफ़े में बैठा हुआ हूँ, हम सब लोग कैफ़े बैठे हुए हैं, सब बाहर बैठे हुए हैं। तो गाइस ये जर्नी बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी। जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हमारी दिल्ली से, दिल्ली से हमने बस पकड़ी, बस पकड़ कर हम सीधे बुनतर आए, बुनतर से हम सीधे मलाना गए, मलाना से वाइशिंग वैली की, फिर वहाँ से कालगा आए, कालगा से पुलगा, पुलगा से कसौल, कसौल से फिर सीधा घर। तो एक्चुअली मैं इसमें क्या बताऊँ आपको गाइस, जो सबसे अच्छा जो मेरे को एक्सपीरियंस लगा हुआ वाइशिंग वैली का, भाई बहुत पीसफुल है, बहुत बहुत मतलब बहुत शांति है, मतलब अभी क्राउड नहीं है वहाँ पर जितना ज़्यादा भी है। और उसके जाने के जो मैं ट्रैवल का बता रहा हूँ, तो अगर कोई भी अगर अपनी अपने व्हीकल से आता है या फिर कार से आता है या बाइक से आता है, तो वो आपको नीचे खड़ी करनी पड़ेगी, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको जाना मलाना डैम से, डैम पे आपको वहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा। और बाकी का यार हम लोग को उतना नहीं, क्योंकि हम लोग की लगातार हम लोग कोई वैसे कैब नहीं की थी, जो आपको बताया था जो एक अंकल जी मिल गए थे हमारे को, वो इसके मेरे फ्रेंड के पुराने जानने वाले थे, क्योंकि वो पहले आ चुका था, उसने ट्रिप कंप्लीट करी थी, उसके बाद वो हम लोग को अचानक से मिल गए। तो वो जब वो मिल गए तो हमने उनको पूरी ट्रिप का ही उनका पूरा पूरा बुक कर लिया था। तो ऐसा कैसा हम लोग को मालूम पड़ा कैसा क्या क्या नहीं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत सही है, बहुत ईजी है, बहुत सही भी है और बहुत मतलब अफोर्डेबल भी है, मतलब अफोर्ड कर सकते हो, मतलब अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई चीज़ अगर लेते हो, अगर आप चाहे खाना लो या फिर आप कुछ भी चीज़ लेते हो, तो आपको महंगी ही मिलेगी, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ ऊपर पर ले जाना आना इन लोगों का बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चक्कर में आप अगर खाना ढूंढेंगे या खाना पीना देखेंगे तो आपको महंगा ही मिलेगा, यहाँ की अगर आप शॉपिंग भी कर दो तो वो भी महंगी मिलेगी। तो यहाँ का सबसे पहले स्टॉप तो कसौल तो है ही, कसौल मेन पॉइंट है। अगर इस कसौल से आप चारों तरफ कहीं भी जा सकते हो, मुझे बस बहुत अच्छा लगा, ट्रिप बहुत अच्छी हुई और अब थकान बहुत हो गई, क्योंकि हम लोग ने ट्रैकिंग ट्रैक करते करते पागल हो गए। हम लोग चल दिए होंगे कम से कम, नहीं बता सकते कितने किलोमीटर चल दिए होंगे हम लोग, लेकिन बहरहाल जर्नी हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। हम इस कैफ़े में बैठे हुए अब बस हम लोग जा रहे हैं, बस पे ही जा रहे हैं, वहीं बैठेंगे, वहीं आराम करेंगे। तो ओके बाय, बस बहरहाल मुझे जर्नी बहुत अच्छी लगी। सो फाइनली गाइस, हम लोग की यात्रा हो गई कंप्लीट, तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली।